जून माह में पांच ग्रहों में बड़ा बदलाव। बुध वक्री से हो जाएंगे मार्गी, उल्टी गति से चलेंगे शनि, सूर्य मंगल और शुक्र का महागोचर। किन तीन राशियों को रहना होगा सावधान, किन तीन राशियों को रहना पड़ेगा सतर्क, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जून में पांच ग्रहों की बदलेगी चाल, इन राशि वालों को रहना होगा सावधान। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वैदिक पंचांग के अनुसार जून के महीने में पांच ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन करने जा रहे हैं। ग्रहों की इन चाल का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन तीन राशि वाले को थोड़ा सावधान रहना होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका असर मानव जीवन पर सीधा पड़ता है। साथ ही किसी व्यक्ति को यह परिवर्तन किसी के लिए शुभ रहता है तो किसी भी और जातक के लिए अशुभ। आपको बता दें कि जून में पांच ग्रहों की चाल में बदलाव होने जा रहा है, जिसको ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम घटना मानी जा रही है। साथ ही इसका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा, लेकिन तीन राशियाँ ऐसी हैं जिनको इस दौरान थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि ये किन राशियों के ये लोग हैं, जानने के लिए देखिए वीडियो। सबसे पहले तो 3 जून के ग्रहों के राजकुमार बुध जो वक्री चल रहे हैं वह वृषभ राशि में मार्गी होंगे। इसके बाद 5 जून को कर्म फलदाता शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे। फिर सूर्यदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे, फिर शुक्रदेव अपनी स्वराशि वृष में गोचर करेंगे और महीने के अंत में मंगल का राशि परिवर्तन होगा। इस तरह से जून में पांच ग्रहों की चाल में बदलाव होगा। सबसे पहली राशि जो है मेष राशि, जून के महीने में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस महीने आप कुछ फिजूल खर्च कर सकते हैं जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। हालांकि इस महीने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। नौकरी और कार्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास नहीं करें तो बेहतर होगा। अगर आप शेयर या व्यापार में निवेश करना चाह रहे हैं तो अभी रुक जाएं, क्योंकि समय अभी अनुकूल नहीं है। जीवन साथी से भी इस दौरान कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए कटु वचन बोलने से बचें। अगली राशि जो है वह कर्क राशि है। जून का महीना आप लोगों के लिए थोड़ा चुनौतियों भरा साबित हो सकता है। इस महीने परिवार के सदस्यों से कुछ मतभेद हो सकते हैं। पारिवारिक प्रॉपर्टी या संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच कुछ वाद विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, कोई पुराना रोग उभर सकता है। साझेदारी के काम में नुकसान हो सकता है। बाहर का खाना खाने से बचे, अन्यथा पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी उपज सकती है, मतलब हो सकती है, इसलिए हर बात एक दूसरे से शेयर जरूर करें और आत्मीय संबंध सौहार्दपूर्ण संबंध दाम्पत्य जीवन में जरूर बना के रखें। अगली राशि कन्या राशि। इस महीने आपको आपके विरोधी और गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं। वही किसी को भी अपनी योजनाओं के बारे में नहीं बताएं, अन्यथा नुकसान हो सकता है। वाहन वगैरह सावधानी से चलाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। क्रोध एवं आवेश में आकर नौकरी में समस्या खड़ी न करें और कोशिश करें कि अधिकारियों के साथ तनातनी न हो। साथ ही अपने काम को जिम्मेदारी के साथ समय पर पूरा करें। लव लाइफ में अपने पार्टनर से बातों को साझा करें, अन्यथा रिश्तों में खटास पड़ सकती है। नवग्रहों की शुभता और अशुभता जन्म पत्रिका में भावगत स्थित ग्रहों के अनुसार होती है। जन्म पत्रिका में भावगत ग्रह शुभ स्थिति में है तो जातक को परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। अगर अशुभ स्थिति में है तो
तो बनते हुए कार्य ही स्वयं ही बिगड़ जाएंगे। प्रतिकूल ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए ग्रह संबंधित मंत्र का जप या व्रत करें या ग्रह संबंधित वस्तुओं का दान करें। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।